हेलो एवरीवन, बिग ड्रीम्स चैनल को आपण समस्त को पुणि थरे स्वागत। दशम श्रेणी पिला माने ए वीडियो रे आमे जीव विज्ञान आम परिवेश चैप्टर रो किछि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखिबा, जहा कि परीक्षा रे अति संभावित रहिबो बोली आशा करूछि। तेबे वीडियो आरंभ करबा पूर्वरु कही रखिबि जे वीडियो टिरु जदि आपण किछि भी सिखि परिबे ताहेले निश्चय चैनल बिग ड्रीम्स को सब्सक्राइब करिबे एवं परवर्ती समय रे वीडियो को सहजरी पाइबा पई पाखरे थिबा घंटी चिन्ह को मध्य दबेबे। ता सहित जेहेतु पिलामानंकर आगामी समय रे एसएटू परीक्षा रही छे, सांगमानंक पाखकु शेयर मध्य करिबे। शिक्षा जेहेतु शिखिबा जिनिष तेणु शेयर करिबा निहाती आवश्यक। आउ जदि वीडियो भल लगुचि ताहेले निश्चय वीडियो को गोटे लाइक मध्य करिबे। आरंभ करिबा ताहेले आम परिवेशर किछि संभावित सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1, परिसंस्थारे उत्पादक भक्षक ओ अपघटक मानक कार्य सम्बन्धरे टिप्पणी प्रदान कर। एटा पिला माने 3 नंबर संबलित प्रश्न रहइबो। हमरो 3टी पॉइंट आमे दबा आउ 3 नंबर संबलित प्रश्न त मु पढ़ी के आउ सुनौनी, एठी तो मोर मु लेखि देछि तुम मानक पई, तुम्हें निजे देखि नबो, समय अयथा नष्ट करिवानी। तो मु किंतु शेष रे गोटे फ्लो चार्ट रखी चक्र माने जबखर्जन चक्र रो सेटा आपण माननको मु बुझे देबी। बाकी क्वेश्चन गुड़ाक आपण स्क्रीनशॉट नहीं पारे, स्क्रीनशॉट नहीं कि ताको आराम से पढ़ी पारे। आपण माननको पाखरे भी प्रश्नर उत्तर निहाती भाव रे रही देबो, किंतु जेहेतु इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जणेबा पई केवल मु एठी लेखि नै छी। तेल एटा होची हमर प्रथम प्रश्न। द्वितीय प्रश्न को जीवा, क्वेश्चन नंबर 2, पोषकर श्रेणी विभाग करी परिवेश रे पोषक चक्रर गुरुत्व दर्शाओ। पोषकर आम श्रेणी विभाग करिबा, हमर पोषक तो 2 प्रकार अछंती, स्थूल पोषक एवं सूक्ष्म पोषक, से मानकर श्रेणी विभाग करिबा। ये मध्य हमर 3 नंबर संबलित प्रश्न रहइबो। 3टी पॉइंट, पॉइंट नंबर 1 रही जीव शरीर पर अधिक परिमाण रे आवश्यक होता कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन पोटासियम कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फरस फास्फोरस परी मौलिक उपादान गुड़ी को स्थूल पोषक कहा जाए। सेमती आम तापर लिखा सूक्ष्म पोषक क्या कहा जाए, से भाव जीव शरीर पर कम परिमाण रे आवश्यक होता कॉपर मांगानीज जिंक बोरन कोबाल्ट सोडियम आयरन इत्यादि मौलिक उपादान गुड़ी को सूक्ष्म पोषक कहा जाए। क्लियर, उपादान उत्पादक पोषक पदार्थ तृणभोजी एवं परे भक्षक प्राणी शरीर को जाए थाए, से शरीर में व्यवहृत हुए और मृत्यु पर पुनः परिवेश को मुक्त हुए। जीव शरीर एवं परिवेश मध्य पोषकर निरवच्छिन्न चक्राकार प्रवाह को पोषक चक्र कहा जाए। यह जैव भू रासायनिक चक्र मध्य कहा जाए। परवर्ती प्रश्न देखिबा, परिवेश रे जबखर्जन चक्र किपर संपादित तो हुए बुझाओ। एटा पिला माने हमरो 4 नंबर संबलित प्रश्न रहइबो। ये गोटे लॉन्ग क्वेश्चन रहइबो, या पाई आपणकर कन्फ्यूजन न होबा पाई मु आउ गोटे आरो चित्र मध्य नहीं आसी जबखर्जन चक्रर केवल चित्र आउ आमर लेखा दरकार ना, सेटा 3 नंबर संबलित रहइबो, एटा किंतु 4 नंबर संबलित रहइबो। मु आगो को देखेबी, जबखर्जन वायुमंडल में सबुठार अधिक मात्रा 78% रही थाए, व्यवहार योग्य जबखर्जन मृत्तिका और जल में कम परिमाण में रही थाए। केतेक बैक्टेरिया वायुमंडल जबखर्जन अणु को विबंधन प्रक्रिय आमोनियम जहाँ कि आम संकेत NH4+ लिखा आमोनियम परिणत करते। नाइट्रिफिकेशन प्रक्रिय आमोनियम नाइट्राइट और नाइट्रेट लवण में परिणत हुए।
बिजुली ओ घड़घड़ी जोगुं जबखरजान ओ अम्लजान रो रासायनिक विबंधन घटी नाइट्रोजन ऑक्साइड सृष्टि हुए। एहा वर्षा जल सह मिसी माटी को आसे ओ माटी रे एहार परिवर्तन घटी उद्भिद ग्रहण उपयोगी रसायन रे परिणत हुए। आमनीकरण बैक्टीरिया प्रोटीन और अमीनो एसिड आदि पदार्थर आमोनिया को बाहर करथाए। के बाहर करथाए? आमनीकरण बैक्टीरिया बाहर करथाए। कौथिर बाहर करथाए? प्रोटीन और अमीनो एसिड रो आमोनिया को बाहर करथाए। एही आमोनिया नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रेट रे परिणत हुए। मन रख आमनीकरण बैक्टीरिया कौन करुची ना प्रोटीन एवं अमीनो एसिड रो आमोनिया को बाहर करुची किंतु नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया ताकु नाइट्रेट रे परिणत करुची। ऑक्सीजन अभाव रे अपजबखार बैक्टीरिया डी नाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया रे नाइट्रेट और नाइट्राइट को भांगी सेथिरु जबखार जान को वायुमंडल को निर्गत कराई थांदे। हमर पिला माने एटा सरी गला। क्वेश्चन टा कोन थिला? क्वेश्चन होउची परिवेश रे जबखारजान चक्र किपरि संपादित हुए बुझाओ। एटा तो आपण माने आगर भी जानी थिबे फिर भी मुझे एटी लिखी एबे कही मध्ये देली एटा मन रहला। तापरे आरो आमे गोटे डायग्राम देखिबा माने जोठि केवल आमे चित्र करिबा। एटा आमर 4 नंबर संबलत रहबे जो क्वेश्चन रा आंसर टा देखिले किंतु आमर ए डायग्राम डा एटी देखंत। मु क्वेश्चन प्रथम देखौची जबखारजान चक्र रो एक रेखांकित चित्र अंकन कर। साइड रे लेखा है जी वर्णन अनावश्यक माने आम कि लिखानी केवल जबखारजान चक्र जबखारजान केमती वायुमंडल रु घूरुची कौ कौ माने स्तर दे कि जाऊँगी सेटा आम केवल चित्र माध्यम देखेबा। मैं ही आपण मानक भल कि बुझेदेवि बाकी लेखा गुड़ाकर आंसर रही स्क्रीनशॉट नहीं। देखो वायुमंडल तो आम रही था जबखारजान आम जाचु सब अधिक परसेंट रही था। एम देखिले से वायुमंडल जबखारजान सहजीवी एवं मुक्त अणुजीव द्वारा जैव विबंधन हुए। ये जिनमें डिस्कसन करी या पूर्व क्वेश्चन रे। पुणी आमर आउ गोटे प्राकृतिक उपाय अच्छी जोटा कि बिजुली घड़घड़ी मारे समय जबखारजान विबंधन हुए। ये दीटा जाक प्रक्रिया जबखारजान विबंधित हो गला। से विबंधित जबखारजान परवर्ती समय जीव शरीर वृद्धि रे सहायक होइथाय। ता परवर्ती समय रे जीव तो बढ़िला जीव बढ़ी सरला परे केते बेले तो पुणी मरिव मृत जीव आ उच्छेदित बर्ज्य माने जो गुड़ा कि आम सब फिंगी दौ से अणुजीव द्वारा अपघटन हेकी डीनाइट्रिफिकेशन हो जाए हेकी पुणी थे सी वायुमंडल को चली जाए। यहीपरी भाव में वायुमंडल जबखारजान चक्र संपादित होइथाय। तेल पाने क्वेश्चन तो बहुत किसी रही तेब आमर आम परेश चारिटी संभावित प्रश्न को मुझे डिस्कसन कली बाकी परवर्त भिडियो आउ अन्य क्वेश्चन को लेकिन आसबी से पर्यत चैनल बिग ड्रीम्स को निश्चय सब्सक्राइब करेंगे। भिडियो भल लगे गोटे लाइक देते अन्य सांग मान शेयर करेंगे। धन्यवाद।